हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम आज बात करते हैं जो जीएसटी रिटर्न्स में चेंजेज आए हैं, यानी कि जो रिटर्न हम पहले फाइल कर रहे थे जीएसटी आर वन एंड जीएसटी आर थ्री भी, उन रिटर्न को अब हटा दिया गया है और उनकी जगह अब नई रिटर्न्स लाई गई है। यानी कि अब अप्रैल 2019 से हमें रिटर्न फाइल करनी होगी नई वाली, यानी कि मार्च 2019 तक की जो हमें रिटर्न फाइल करनी है, मार्च मंथ तक की, वो हमें पुरानी वाली रिटर्न फाइल करनी है, दैट इज जीएसटी आर वन एंड जीएसटी आर थ्री भी। लेकिन अप्रैल मंथ की जो हम जो रिटर्न करेंगे, अप्रैल और उसके बाद की, वो हम रिटर्न करेंगे नई वाली रिटर्न। तो दोस्तों, उन्हीं के बारे में आज बात करते हैं, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आर देयर अंडर द न्यू स्ट्रक्चर। तो जो हमारा नया स्ट्रक्चर है उसके अंडर हमारी रिटर्न्स हैं थ्री टाइप्स की। तो जो हमारी फर्स्ट रिटर्न है वो है नॉर्मल रिटर्न। तो जो नॉर्मल रिटर्न है वो मंथली भी फाइल हो सकती है और क्वार्टरली भी फाइल हो सकती है। सेकंड हमारी रिटर्न है सहज रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है हमारी, ये क्वार्टरली ही फाइल होगी। थर्ड है हमारी सुगम रिटर्न, जो हमारी ओनली एंड ओनली क्वार्टरली फाइल हो सकती है। तो जो हमारी नॉर्मल रिटर्न है उसको हम नाम देंगे जीएसटी आरईटी वन, और जो सहज है उसको नाम दिया गया है जीएसटी आरईटी टू, सुगम को नाम दिया गया है जीएसटी आरईटी थ्री। तो दोस्तों, अब जो टर्नओवर की लिमिट कर दी गई है न्यू रिटर्न्स के अंदर, वो कर दी गई है अप टू 5 करोड़। यानी अप टू 5 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन वॉलंटरली आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स हमें कब करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चूज किया हुआ है क्वार्टरली, तो क्या उसको टैक्स भी क्वार्टरली पे करना होगा? ऐसा नहीं है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्शन चूज किया हुआ है तो उसको टैक्स मंथली ही पे करना होगा फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल, हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न, वो फाइल कर रहे हैं अप्रैल 19 की, अप्रैल, मई और जून की। तो जो हमें टैक्स पे करना होगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हमें मई 20 तारीख तक हमें वो टैक्स पे करना होगा, और मई महीने के लिए हम जो पे करेंगे वो जून की 20 तारीख तक हम लोग फाइल करेंगे। लेकिन हम जो जून मंथ का टैक्स पे करेंगे वो हम अलग से पे नहीं करेंगे, हम पे करेंगे क्वार्टरली रिटर्न के साथ ही, जोन सी भी हमने रिटर्न ऑप्ट की हुई है, चाहे वो नॉर्मल हो, सुगम हो या सहज हो। तो दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द रिटर्न। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको वो क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप मंथली रिटर्न ही फाइल कर रहे हैं और आपके ऊपर मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो दोस्तों, जाकर के आज ही ऑप्ट कर लीजिएगा मार्च की रिटर्न फाइल करने के बाद में। तो दोस्तों, बात करते हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। तो जो न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उनकी टर्नओवर मान ली गई है कि 0 है, तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि चाहे तो वो मंथली रिटर्न फाइल कर सकती है और चाहे तो वो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकती है। यानी कि जो हम टर्नओवर देखेंगे अप टू 5 CR, तो वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। तो अगर कोई टैक्स पेयर न्यूली रजिस्टर्ड है तो उसकी टर्नओवर ऑटोमेटिकली 0 ही है। तो इस केस में उनको ऑप्शन दिया गया है कि चाहे तो वो मंथली या क्वार्टरली कोई सी भी रिटर्न चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात की गई है स्विच ओवर ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है स्विच ओवर ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न का ऑप्शन मंथली सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसको लग रहा है कि मुझे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, तो वो बीच में नहीं कर सकता। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही वो अपनी रिटर्न का ऑप्शन जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकता है। अगर वो फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है 19-20, इसमें अपनी रिटर्न का ऑप्शन चेंज करते हैं, यानी कि वो क्वार्टरली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर इसको चेंज कर पाएंगे, या फिर वो मंथली
चूज करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही वो पार्टनरी में जा पाएंगे, इसलिए पहले ही सोच समझ करके अपने रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब कि ये जो रिटर्न है, एक्चुअली पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी जो जब हम GSTR 1 कर रहे थे और GSTR 3 भी करते थे, कि अगर कोई रिटर्न इनकरेक्टली यानी गलत फाइल हो गई है या कोई इनवॉइस हमारा छूट गया है तो उस केस में हमें दिक्कत आती थी, हमें डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू कराने होते थे परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के केस में, या फिर अगर हमारा कोई इनवॉइस मिस हो गया है, कोई छूट गया है रिटर्न में डालने से, तो उस केस में हमें दिक्कत आती थी, यानी कि अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं था। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सोल्व कर दी गई है, जो नया रिटर्न है GST का उसमें अमेंडमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आपने रिटर्न फॉर्मेट चूज किया हुआ है GST RAT 1 यानी कि नॉर्मल रिटर्न, तो अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको फाइल करनी होगी GST RAT 1A। अगर आपने ऑप्शन चूज किया हुआ था GST RAT 2 तो आपको फाइल करना होगा GST RAT 2A। अगर आपने चूज किया हुआ था GST RAT 3 तो आपको फाइल करना होगा GST RAT 3A। तो दोस्तों पेमेंट कैन बी मेड इन केस आपने अमेंडमेंट की, आपने रिटर्न अमेंड की अपनी, और आपकी अमेंड करने से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है पहले से। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पहले 100 रुपीज थी और चेंज करने से, अमेंड करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई है 110 यानी 110 रुपए हो गई है, तो आपको 10 रुपए की टैक्स लायबिलिटी यानी 100 रुपीज की तो आपने पहले ही पे कर दी है एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, यानी कि जब आपने GST RAT 1, 2 या 3 फाइल की होगी उस टाइम पे 100 रुपए की लायबिलिटी पे कर दी होगी। ये जो 10 रुपए की लायबिलिटी है वो भी आपको चेंज रिटर्न यानी अमेंडेड रिटर्न फाइल करते टाइम पे करनी होगी। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई है कम, यानी कि रिटर्न अमेंड करते टाइम आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई है 100 रुपए से 90 रुपए यानी 90 रुपीज हो गई है, तो जो आपकी 10 रुपीज की लायबिलिटी कम हुई है तो उसका आपको रिफंड तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे ये बात क्लियर कट हो गई है। तो उसका होगा क्या, उसका एक्चुअली ये होगा कि वो आपके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टैक्स पीरियड में। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो रिटर्न है नॉर्मल, सहज, सुगम, ये अप्लाई किस किस पे करेंगे, यानी कि ये भैया है क्या ये, यानी किस किस डीलर पे ये रिटर्न अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो नॉर्मल रिटर्न है वो मंथली और क्वार्टरली दोनों फाइल हो सकती है, जो सहज और सुगम है वो ओनली क्वार्टरली फाइल होंगी। तो पहले बात करते हैं सहज। सहज जो हमारी रिटर्न है, अगर कोई व्यक्ति आउटवर्ड सप्लाई करता है अंडर B2C कैटेगरी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सील कर सकता है, कर रहा है, एंड इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग RCM, यानी कि कोई टैक्स पेयर ऐसा है जो B2C सप्लाई करता है या फिर जो इनवर्ट सप्लाई लेता है जिसपे RCM अप्लाई होता है, तो अगर कोई ऐसा व्यापारी है तो वो चूज कर सकता है सहज रिटर्न। ऑप्शनल है, वो नॉर्मल भी फाइल कर सकता है, तो उसके केस में सहज रिटर्न उसको बेहतर रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति सप्लाई कर रहा है B2C कैटेगरी, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड B2B कैटेगरी, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर भी वो सेल कर रहा है और बिजनेस टू बिजनेस भी वो लोग वो टैक्स पेयर सेल कर रहा है, एंड इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, और कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई भी ले रहा है जिसपे RCM लगता है, तो उसके लिए जो बेटर रिटर्न रहेगी वो रहेगी सुगम यानी कि GST RAT 3। तो दोस्तों ये जो बंदे हैं सहज और सुगम वाले, यानी कि जो B2C कर रहा है और जो B2C एंड B2B दोनों कर रहा है, तो वो लोग एक्चुअली ये है ना ऑल्सो नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सेम है दोनों में, रिलेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन GST गुड्स की भी सप्लाई वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ दिखाना नहीं होगा, डिक्लेरेशन नहीं देनी है। अब देखते हैं कि जो लोग सहज या सुगम रिटर्न ऑप्ट करते हैं क्वार्टरली रिटर्न, तो उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन माननी होंगी। कैन नॉट मेक सप्लाई थ्रू e-commerce ऑपरेटर, अगर किसी टैक्सपेयर ने ऑप्ट की हुई है सहज रिटर्न या सुगम रिटर्न, तो वो अपने गुड्स की सप्लाई e-commerce पोर्टल के थ्रू सेल नहीं कर सकते। e-commerce पोर्टल यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ईबे कोई भी है, उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। सेकंड है, सेल नॉट टेक क्रेडिट ऑन मिसिंग इनवॉइसेस, अगर इनका कोई इनवॉइस मिस हो गया है तो उसका भी ये लोग क्रेडिट नहीं ले सकते। सेल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी अदर टाइप ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि ये जो B2C
एंड बी टू सी एंड बी टू बी कैटेगरी की जो सप्लाई है इनसे अलग अगर कोई सप्लाई वो करते हैं तो उनको अलाउड नहीं है। अब आते हैं नॉर्मल रिटर्न पे। तो जो जिन टैक्स पेयर ने नॉर्मल रिटर्न ऑफ की हुई है तो वो कर सकते हैं हर तरह की सप्लाई, यानी कि दे आर एबल टू डिक्लेयर ऑल टाइप ऑफ, यानी हर तरह की ऑल टाइप ऑफ आउटवर्ड सप्लाई किसी भी तरह की, चाहे वो बी टू सी है, बी टू बी है या और भी किसी भी तरह की है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई एंड टेक क्रेडिट ऑन मिसिंग इनवॉइसेस, यानी कि अगर इनका कोई इनवॉइस मिस हो गया है तो उसके ऊपर भी ये लोग क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट मतलब आईटीसी, इनको टैक्स क्रेडिट उस पर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लोग जो नॉर्मल वाले हैं वो ई कॉमर्स पोर्टल पर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था। तो जिस भी कंडीशन में आप फॉल कर रहे हैं उसमें अपने आप को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि जो नॉर्मल रिटर्न है वो मंथली और क्वार्टरली दोनों है, और जो रिटर्न है सहज और सुगम वो ओनली एंड ओनली क्वार्टरली ही आपको फाइल करनी होगी। अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं या आप अपनी इच्छा से मंथली भी चूज कर सकते हैं।